हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी द यूनिट ऑफ संस्कृत स्टैंडर्ड 8 3 यूनिट 3 आत्मश्रद्धा या प्रभाव फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इसका मतलब है इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। आई विल गिव सम इंट्रोडक्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक क्वालिटी है जो हर एक पर्सन में होनी चाहिए अपने पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी को गुड बनाने के लिए। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी इन लाइफ। दिस क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड बाय कंटिन्यूस एफर्ट्स, जो काफ़ी प्रयासों के बाद हासिल हो सकती है। अगर ये क्वालिटी ना हो या कम हो तो हमें हमारे टारगेट्स में अचीव करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ क्वालिटी विच You have to believe and you have to trust your own power of doing the action। तुम्हें अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स वन शुड लर्न टू बिकम वन्स ओन गाइड। किसी और पे विश्वास रखने की जगह और किसी और पे डिपेंड रहने की जगह अपने आप पे ही डिपेंड रहना चाहिए। इसके लिए संस्कृत में एक वर्ड है, स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रज्ञा। अपनी, जिसका मतलब अपने ही ज्योति से अपने प्रकाश, खुद को प्रकाश, खुद की ज्योति से खुद को प्रकाश। किसी और पे डिपेंड रहना चाहिए नहीं, कि खुद ही हमें हमारी लाइन चूज़ करनी चाहिए। और इस चैप्टर में सेल्फ कॉन्फिडेंस समझाने के लिए महाभारत का एक कैरेक्टर लिया गया है, एकलव्य, जो कि एकदम परफेक्ट कैरेक्टर स्केच है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। ये चैप्टर में मैं आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यूनिट 3 आत्मश्रद्धा प्रभाव। एक बालक आसीत, तस्य नाम एकलव्य आसीत, सह धनुर्विद्या पठितुं स्म। देयर वाज अ वन बॉय हुज नेम इज एकलव्य एंड हु वांट्स टू लर्न धनुर्विद्या। एक लड़का है जिसका नाम एकलव्य है और उसे धनुर्विद्या पढ़नी है। एकदा स द्रोणाचार्य स समीपम आगच्छत अवदत च, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया मा स्वीकुरु, आचार्य प्रत्यवदत अहम कौरवान् पांडवान् च पठयामि, अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तु न शक्नोमि, परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा स्थिति न अभवत। सो वन डे ही वेंट टू द द्रोणाचार्य एंड आस्क हिम दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ स्किल्ड आर्चरर और गुड आर्चरर। सो ही गोस टू द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे आर्चरी सीखनी है और एक अच्छा और कुशल आर्चर बनना है, तो आप मुझे शिक्षण दीजिए। द्रोणाचार्य डिनाइस, द्रोणाचार्य मना करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही शिक्षण देता हूँ, मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट की जगह पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना सकता नहीं। ये कहने पर भी एकलव्य की फेथ उसके गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं हुई और उसने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखा और आगे खुद ही सीखना शुरू किया। देखते हैं, सह आचार्य से द्रोणस्य एकाम मूर्ति अरचयत, सह प्रतिदिन मूर्ति अनमत, प्रातः कालत सायं पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यास अकरोत, शयने शयने सह कुशल धनुर्धर अभवत। ही मेड अ स्टैच्यू, एकलव्य ने आचार्य द्रोणा का एक स्टैच्यू बना दिया और वो उन्हें वो स्टैच्यू को ही बो डाउन करता था एवरी डे और उसी स्टैच्यू को अपना गुरु मान लिया था। उसने रोज़ प्रैक्टिस की, सुबह से लेकर शाम ही प्रैक्टिस आर्चरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। स्लोली स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चरर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आयुर्वेदिक स्किल्ड आर्चरर बन गया। फिर एकदा तस्मिन वने गुरु द्रोण पांडवेन कौरवे चह सम आगच्छत, एक कुकुर तान दृष्टवा अभशत, अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म, तदेव एकलव्य बाणेन तस्य कुकुरस्य मुखम असिवयत द्रोणाचार्य एतत्, दृष्टावा तत्र आगच्छत त च अपुच्छत कह त्वा आचार्य, तदा स द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदृश्यत। सो वन डे द्रोणाचार्य विद द कंपनी ऑफ कौरवास एंड पांडवास गोज इन टू फॉरेस्ट एंड
वो जाते हैं और उन पर एक डॉग अचानक बार्क करना शुरू देता है। डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग दिस। अर्जुन पिक्ड अप द बो एंड जैसे ही उसने बो पिक्ड अप किया अर्जुन ने, तुरंत ही एकलव्य डॉग का माउथ में उसके माउथ में डॉग के माउथ में एरोज भर देता है जिससे वो बार्क ना कर पाए। एकलव्य स्टिच्ड अप द डॉग्स माउथ विद एरोज। सो जैसे ही अर्जुन करे उससे पहले एकलव्य ने उसके बोज डाल दिए अर्जुन के करने से पहले। ऑन सीइंग दिस एवरीवन गॉट शॉक्ड। द्रोणाचार्य केम टू एकलव्य एंड आस्क्ड हिम हु इज योर टीचर, हु इज योर गुरु। देन एकलव्य टूक हिम टू द स्टैचू विच ही मेड अर्लियर। वो उसे द्रोणाचार्य जी को स्टैचू के पास ले गए और बताया कि ही इज़ माई गुरु, स्टैचू को पॉइंट करके बताया। एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतिगमसी तक। एकलव्य अस्मान शिक्षयति स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रज्ञ भवतु। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा असित तरही कांडपि सिद्धि दुर्लभा नशित। अंतमरण आत्मश्रद्धा बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धः अभवतम। एकलव्य एक ऐसा एग्जाम्पल है फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। टीचर के ना कहने पर भी उसने अपना हौसला नहीं टूटे दिया और धनुर्विद्या सीखी और ही ट्रूली बिकम योर ओन लाइट एंड डिसर्निंग इंटेलिजेंस। वो खुद की ही प्रकाश बना और उसने खुद को ही गाइड किया जैसे हमने देखा था स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रज्ञः भवतु। इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस देन देर इज नथिंग दैट वी कांट अचीव। ऐसा कोई गोल नहीं है जिसे हम अचीव न कर पाए। हर एक गोल आसान हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होने पर, जिसे अचीव करना ईजी है। बस हमें हमारे आप पर विश्वास होना चाहिए जैसे एकलव्य को था। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द यूनिट एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल पोस्ट फ्रीक्वेंट वीडियोज एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्लोसरी एंड एक्सरसाइजेस। थैंक यू।